नेक्स्ट हैं जी सुखबीर सिंह हैं अमृतसर से, इंडिया से। जाहिर है कमाल की बात, भाई है मेरे सुखबीर सिंह। बताता हूं क्यों। सवाल पहले उनका सुन ले। वो कहते हैं, बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर मैं पाकिस्तान आया तो ऐसा लगा जैसे काफी अरसे से कोई खोया हुआ बच्चा अपने घर को लौटता है। मेरी सुखबीर साहब, जब मैं अमृतसर गया हूं, मेरी यही हालत थी। मैं जलंधर, अमृतसर, लुधियाना की मट्टी लाया, अपने फार्म हाउस पे एक बेड बनाया, उसमें मिक्स की, उस पर गुलाब लगाया और दिन में छह छह बार नहाता था। तो दोस्त मेरे हंसते थे, तो मैं कहता था, यार बाकी तो हुलिया बदल गया होगा, मैं तो 75 साल पाकिस्तान बने हुए, मैं तो अब आया हूं, पहली बार देख रहा हूं अपने पुरखों की जमीन, बार बार इसलिए नहाता हूं कि पानी तो वही होगा, मोहल्ले बदल गए, मार्केट्स बदल गई, ये हो गया वो हो गया, ये पानी तो वही होगा जो मेरे बुजुर्ग पीते होंगे या जिससे नहाते होंगे। मेरी सुखबीर साहब ये कैफियत है। सो आप अच्छा आगे सुखबीर साहब देखते हैं, पाकिस्तानी भाइयों के प्यार मोहब्बत को देख के मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बॉर्डर पे लगी तारें सरहदें जुदा तो कर सकती हैं, दिल जुदा नहीं कर सकती। आप 100% ठीक कह रहे हैं। जिस मोहब्बत से आपने जिक्र किया है, ऐसी मोहब्बत मुझे जालंधर, अमृतसर और लुधियाना में मिली, क्योंकि मेरे बुजुर्ग इन तीन शहरों से आए थे। और एक बात आपके साथ शेयर करूं, एक शौक है आपके और मेरे अमृतसर में, उसका नाम है प्री चौक। ये मेरे परनाना के नाम पे, अभी रिसेंटली हमारे एक बहुत बड़े मुहक्क हैं, राइटर हैं, मुनीर अहमद मुनीर, उनकी किताब भी आई है कि लाहौर और अमृतसर के जो पुराने मकामात, नौ गुनाम किसपे थे, ये तो सारा। तो क्या करें, आज आखा वारिस शाह नूं कितने कब्रां विच्चों बोल, देखते हैं हमारे नसीबों में मजीद क्या लिखा है। थैंक यू।